कोरोना वायरस हर किसी की जिंदगी पर एक काले साए की तरह छा रहा है। कोरोना ने अब टीवी के पॉपुलर एक्टर शाहिर शेख से उनके पिता को हमेशा के लिए दूर कर दिया है। शाहिर शेख के पिता का कोरोना संक्रमित होने के बाद निधन हो गया है। शाहिर के पिता को कोरोना हुआ था, जिसके बाद से उनकी हालत गंभीर थी और वो वेंटिलेटर पर थे, लेकिन अब कोरोना के चलते वो हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना इन्फेक्टेड होने के बाद से शाहिर शेख के पिता की हालत नाजुक थी और वो वेंटिलेटर पर जिंदगी मौत के बीच लड़ रहे थे। शाहिर ने अपने पिता की फोटो शेयर करके इस बारे में जानकारी दी थी अपने फैंस को। उन्होंने ट्वीट में लिखा था, मेरे डैड वेंटिलेटर पर हैं, कोविड के गंभीर इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं, प्लीज़ उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। शाहिर हालात के आगे बेबस थे और बस अपने पिता के ठीक होने की कामना कर रहे थे, लेकिन शाहिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शाहिर के पापा हमेशा के लिए उनसे दूर हो गए हैं, लेकिन अपनी फैमिली की यादों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि टीवी एक्टर अली गुनी ने ट्वीट करके शाहिर के पिता के निधन की खबर शेयर की। एली ने अपने ट्वीट में लिखा, अल्लाह अंकल की आत्मा को शांति दे। शाहिर शेख स्ट्रॉन्ग रहो भाई। एली गुनी के इस ट्वीट के बाद से फैंस भी ये जानकर काफ़ी दुखी हैं और शाहिर के इस मुश्किल समय में उनकी हिम्मत को बढ़ा रहे हैं। फीफा फूड्स टीवी के तरफ से हम भी शाहिर शेख के पिताजी को, उनकी आत्मा को शांति मिले, यही हम दुआ करेंगे।